दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपका डोमेन एक्सपायर होने वाला है तो उसे गोडाइडी से होस्टिंगर पे कैसे आप लोग को ट्रांसफ़र करना है। अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको कुछ कम पेमेंट करना होगा रिन्यूअल के लिए, एक तरह से कहे तो। कैसे आप लोग को ट्रांसफ़र करना है यही पूरा प्रोसेस आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित यादव, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोह में। दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए बताते हैं कैसे आप लोग को अपना डोमेन गोडाइडी से होस्टिंगर पे ट्रांसफर करना है। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो यहाँ पे गोडाइडी हम सर्च कर लेते हैं, हम गोडाइडी में लॉगिन हो जाते हैं जहाँ पे हमारा डोमेन है, ठीक है। यहाँ पे गोडाइडी पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे कि अब हम क्या करेंगे, साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लॉगिन है तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे नाम शो हो रहा है। अब हम इसी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे हमारा नाम वगैरह शो होगा, यहाँ पे माई प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे कस्टमर आईडी शो होगा, यहाँ पे माई प्रोडक्ट है। सिंपल सा क्या करेंगे, हम इसी पे क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे माई प्रोडक्ट में देखिए सिविल स्टडी IQ.com सब्सक्रिप्शन विल एक्सपायर इन 26 डेज, 26 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, जो 2398 रुपये का हमें रिन्यूअल करना पड़ेगा। यहाँ रिन्यू नाउ पे क्लिक करके आप चाहें तो रिन्यू कर सकते हैं। हमें ट्रांसफ़र करना है तो हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देखिए यहाँ पे ना है हमारा डोमेन सिविल स्टडी IQ.com, ठीक है। नीचे हम और स्क्रॉल करके चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल सा आपको मैनेज पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे माई बिजनेस करके आ रहा है, इस प्रकार का इंटरफेस आया। नीचे हम स्क्रॉल करके चलेंगे, नीचे नहीं चलेंगे, यहाँ पे साइड में देखिए डोमेन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे डोमेन सेटिंग मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको क्या करना होगा, नीचे आपको स्क्रॉल करके चलना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डोमेन लॉक, डोमेन लॉक का ऑप्शन है यहाँ पे, ये लॉक है तो इसको आपको ऑफ करना होगा तभी ट्रांसफ़र होगा। सिंपल सा हम इस पर क्लिक करके इसको ऑफ करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको कंटिन्यू करने को कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना, देखिए ट्रांसफर टू अनदर गोड आईडी अकाउंट पे करना चाहते हैं, दूसरा आपका ईमेल आईडी दूसरे अकाउंट पे करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे अगर आप किसी दूसरे साइट पे करना चाहते हैं जैसे कि हम होस्टिंगर पे करना चाहते हैं ट्रांसफर टू अनदर रजिस्टर वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डोमेन ट्रांसफर चेकलिस्ट पूरा दिखाया जाएगा, यहाँ पे आपको कंटिन्यू विथ ट्रांसफर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए आगे का प्रोसेस हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू सी ऑथराइजेशन कोड, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करके एक मिलेगा जिसे आप होस्टिंगर की वेबसाइट पे जब ट्रांसफ़र करने के लिए वहाँ पे डालेंगे तभी ये ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि जो ये कोड रहता है ये ऑथराइज करता है कि आप ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरी वेबसाइट पर कोई और नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, सिंपल सा क्लिक हेयर टू सी ऑथराइजेशन कोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे ऑथराइजेशन कोड आ गया, जैसे हम इस पर क्लिक किए आप क्लिक कॉपी टू क्लिक बोर्ड पर आपको क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। अब आपको क्या करना है, अपने होस्टिंगर की वेबसाइट पर चलना है। देखिए हम यहाँ पे होस्टिंगर की वेबसाइट पर चलते हैं इस तरीके से, यहाँ पे भी हम लॉगिन है इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी हम लॉगिन हैं, देखिए हम लॉगिन है तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लॉगिन हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपके जितने ईमेल आईडी वेबसाइट वगैरह होंगे सभी के सभी यहाँ पे शो होंगे, यहाँ पे आपको डोमेन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको देखिए मिलेगा ट्रांसफ़र एन एग्जिस्टिंग डोमेन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको डोमेन, जो डोमेन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डोमेन फिलअप करना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने डोमेन फिलअप कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, सिविल स्टडी IQ.com करके है, इसको हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए डोमेन ट्रांसफ़र कितने 689 रुपये का, ये अभी ट्रांसफ़र कर रहे थे तो ये 2000 के ऊपर लगभग दिखा रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चूज पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर दे, 830 रुपये फाइनली पड़ेगा टैक्स वगैरह सारी चीज़ें मिलाकर। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आएगा, यहाँ पे चूज ए पेमेंट मेथड आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए वीजा कार्ड वगैरह पे यहाँ पे पेपाल जीपे वगैरह सब पेटीएम वगैरह है, तो यहाँ पे हम वीजा कार्ड से करने वाले हैं या मास्टर कार्ड से, तो जो अपना मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर शो होगा, यहाँ पे आपको कार्ड पे जो नाम है वैसे ही आपको फिलअप करना है, यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर फिलअप करना है और यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट और सीवीसी कोड जो होता है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा।
तो चलिए हम सारा डिटेल फिलअप कर लेते हैं और उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा। तो हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं सारा डिटेल फिलअप करके। देखिए हमने सारा डिटेल फिलअप कर लिया, हम पे नाउ पे अब क्लिक करेंगे। देखिए जैसे हम उस पर क्लिक किए आगे का प्रोसेस हो रहा है, सिक्योर एंड कार्ड पे हम सिंपल सा क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए आगे का प्रोसेस हो रहा है, देखिए यहाँ पे आगे का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे देखिए अब वन टाइम पासवर्ड हमारे मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा जो बैंक के साथ लिंक होगा। देखिए यहाँ पे आ गया है तो हम वो OTP यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। वन टाइम पासवर्ड जो होता है OTP, उसका मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, 1 से 5 सेकंड तक वेट करना है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे होगी। देखिए यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए इसको हम सेव नहीं करना था, नो थैंक्स पे हम सिंपल सा क्लिक कर देंगे। देखिए आगे का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आया है। यहाँ पे देखिए डोमेन ट्रांसफर में यहाँ पे पेंडिंग सेटअप दिखा रहे हैं, यहाँ पे डोमेन वाले ऑप्शन पे देखिए यहाँ पे क्लिक किए हैं दोबारा तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो डोमेन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पेंडिंग सेटअप वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट डोमेन प्रोफाइल, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस नाम वगैरह शो होगा जो होस्टिंगर में पहले से एड्रेस वगैरह था। अगर आप इसी प्रोफाइल पे अपना ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ यूज एग्जिस्टिंग प्रोफाइल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगर कोई नया ऐड करना चाहते प्रोफाइल तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम इसी में करना चाहते हैं, सिंपल सा इसी को सिलेक्ट रहने देंगे। अब सेलेक्ट एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटर डोमेन ट्रांसफ़र अथोराइजेशन कोड जो आपको मिला था यहाँ से GoDaddy से, वो कोड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये वाला जो कोड था जो कॉपी किए थे, ये वाला कोड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये वाला कोड। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है, देखिए यूज होस्टिंगर नेम सर्वर एंड DNS रिकॉर्ड बेस्ट फॉर यूज विथ योर होस्टिंग प्लान। तो यहाँ पे अगर आप होस्टिंगर का नेम सर्वर और DNS रिकॉर्ड वगैरह रखना चाहते हैं, यूज करना चाहते थे, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और यहाँ पे यूज होस्टिंगर नेम सर्वर बट कीप द एग्जिस्टिंग DNS जोन रिकॉर्ड। अगर आप देखें नेम सर्वर, सिंपल सी बात बताएं, नेम सर्वर अगर आप होस्टिंगर का यूज करना चाहते हैं और DNS रिकॉर्ड जो पहले था वही आप रखना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके अपने सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कीप एग्जिस्टिंग नेम सर्वर विल नॉट चेंज DNS मैनेजमेंट रिमेनिंग विथ द प्रीवियस डोमेन प्रोवाइडर, मतलब पिछला डोमेन प्रोवाइडर, जैसे कि यहाँ पे हम GoDaddy से ट्रांसफर कर रहे हैं तो GoDaddy का ही नेम सर्वर और DNS रिकॉर्ड वगैरह यूज करना चाहते हैं, केवल और केवल आप होस्टिंगर पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जो ट्रांसफर डोमेन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको कोड फिलअप करना होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने कोड फिलअप कर लिया, हम यहाँ पे ट्रांसफर डोमेन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर देंगे सेकंड वाले को, ठीक है। ट्रांसफर डोमेन पे हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, थोड़ी देर तक हम इंतजार करते हैं, देखिए आगे का प्रोसेस हो रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है यू आर ऑलमोस्ट देयर, योर डोमेन ट्रांसफर विल टेक अप टू 5 to 7 business days टू कंप्लीट, यू कैन चेक द प्रोसेस इन डोमेन लिस्ट। यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफरिंग हो रहा है, तो पे अभी ट्रांसफरिंग दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। नोट, नोट में क्या लिखा है, वेटिंग फॉर डोमेन प्रोवाइडर टू अप्रूव द ट्रांसफर, मतलब हम GoDaddy ट्रांसफर किए हैं तो GoDaddy का वेट किया जा रहा है कि वो अप्रूव करे ट्रांसफर के लिए। तो इस तरीके से आप लोग को अपना ट्रांसफर करना है अपना डोमेन GoDaddy से होस्टिंगर पे, अब 5 से 7 दिन के अंदर ये आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों ज़्यादा से शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।